चलो निकालो। जैसे आपको कल सिखाया है वैसे करो। C5S12 थर्ड ऑप्शन सही है, करेक्ट। एकदम आसान क्वेश्चन नहीं है, कल जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें फिर भी थोड़ा बहुत कॉन्ट्रैक्शन वगैरह था, इसमें तो वो भी नहीं है, तो बिल्कुल सिंपल तरीके से सॉल्व हो जाएगा। चलो देखो क्या है इक्वेशन हाइड्रोकार्बन की। CXHY+ Y/4O2 XCO2+ Y/2H2, ये लिखा आपने। अगर हम इसका 1 ml लेते हैं तो इसका x प्लस y बाई 4 ml काम में आएगा,
जिससे एक्स एम एल CO2 मिलेगा, वाई बाई टू एम एल वाटर मिलेगा, है ना। ये गैस होता है, ये भी गैस होता है, ये भी गैस और ये लिक्विड, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जरा देखो। 500 ml हाइड्रोकार्बन गैस को बर्न किया गया है। अगर ये हमने 500 ml लिया है तो 1 ml से एक्स एम एल मिलता है, तो 500 ml से ये कितना मिलेगा, 500 XML, बोलो हाँ या ना। 1 ml से वाई बाई टू एम एल मिलता है तो 500 ml से कितना मिलेगा, 500 × y/2 ml मिलेगा, कोई दिक्कत। अब 500 XML CO2 मिल रहा है, क्वेश्चन में कितना बोल रखा है CO2 मिल रही है, 2500। क्या इसको इक्वेट कर दें इसको, तो x इज इक्वल टू 5 आ गया इससे, कोई दिक्कत। अब ये बताओ कि इस पूरे रिएक्शन में कितना ml हमको Y2 मिला, सॉरी H2O मिला, 500 × y/2 मिला क्या, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना मिल रहा है, 3 लीटर। 3 लीटर में कितना ml, 3000, है ना। तो बस फिर काट दो इसको, y की वैल्यू कितनी, तो क्या दिक्कत है इसमें, C5H12 आ गया आंसर, कुछ भी नहीं करना था इसमें तो, ठीक है ना। तो इसमें तुमसे कोई कुछ पूछा है कि इसमें वॉल्यूम कॉन्ट्रेक्शन हुआ या कुछ हुआ, डायरेक्टली बोल दिया है कि 500 ml हाइड्रोकार्बन लेने से 2500 ml CO2 मिलता है और 3 लीटर वाटर लिक्विड मिलता है, सिंपल एकदम। तो आप अगर स्टोइकोमेट्री से चलो तो 500 ml अगर हाइड्रोकार्बन लिया मैंने तो 500 ml से 500 X CO2 मिलेगा और 500 × y/2 वाटर मिलेगा, क्योंकि आपको पता है कि 1 ml से X ml CO2 y/2 ml वाटर मिलता है। तो 500 ml से कितना मिलेगा, 500 X, तो ये क्वांटिटी किसके बराबर होगी, 2500 के, तो इक्वेट करके एक्स का वैल्यू आ गया, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है कि जो वाटर है वो 3 लीटर मिलता है, मतलब 3000 ml मिलता है, तो यहां से हमने 500 × y/2 निकाला था वाटर, ये क्वांटिटी किसके बराबर होगी, 3000 के, तो से वाई का वैल्यू आ गया, आंसर आ गया C5H12, सिंपल। समझ में आ रही बात, तो ये कैसा हो सकता है क्वेश्चन आपका। चलो भाई, कोई दिक्कत है किसी को, आगे बढ़े। नोट किया ना सभी ने, चलो लिखो क्वेश्चन। 10 ml ऑफ ए मिक्सचर, 10 ml ऑफ ए मिक्सचर ऑफ CO, CH4, N2 आर रिएक्टेड विद एक्सेस ऑफ O2, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, गेव ए कॉन्ट्रैक्शन ऑफ 6.5 ml, देयर वॉज ए फर्दर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ 7 ml when the residual gas was treated with KOH, then what is the कंपोजिशन ऑफ दी ओरिजिनल मिक्सचर, देन व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ द ओरिजिनल मिक्सचर।
चलो वैसे तो ये क्वेश्चन आप अभी नहीं कर पाएंगे क्योंकि काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये। डिफिकल्ट नहीं बोल सकते, मतलब थोड़ा सा लैंग्वेज देखना इसमें आना चाहिए आपको, ठीक है? तो यही लास्ट वैरायटी है यूडोमेट्री की, बस केवल, ठीक है? फिर हमारा टॉपिक भी खत्म ही हो जाएगा फिर ये, ठीक है? तो देखो जरा कैसे करेंगे, मैं आपको बताता हूँ जल्दी से। सबसे पहले आप एक बात बताओ, जो हमने मिक्सर लिया है उसमें क्या क्या चीजें हैं बताओ पहले तो। एक तो सीओ सीओ है, ठीक है ना? तो मान लो कि सीओ एएमएल है, सपोज करो एएमएल है, और दूसरा क्या है बेटा? तो ये मान लीजिए बीएमएल है, और तीसरा क्या है? तो ये एन टू कितना हो जाएगा? 10 माइनस का ये माइनस का बीएमएल है ना, ये हो जाएगा, क्योंकि ओवरऑल तो 10 ml दे रखा है ना। 10 ml में तीनों, तो एक को ये मानो, दूसरे को भी, तो तीसरा इतना हो जाएगा। कोई दिक्कत है किसी को? अच्छा अब देखो ध्यान से एकदम, मुझे एक बात बताओ, जब मैंने यूडोमेट्री पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि जो नाइट्रोजन होता है वो नॉर्मल कंडीशन पे रिएक्शन नहीं करता, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ऑफ नाइट्रोजन, ये लिखाया था। तो अब ये बोल रहा है कि इस मिक्सर को जब हमने एक्सेस ऑफ CO2 के साथ ट्रीट कराया है, तो जो वॉल्यूम कॉन्ट्रेक्शन देखने को मिला वो 6.5 ml देखने को मिला। तो मुझे एक बात बताओ, जब हम इस पूरे मिक्सर को एक्सेस ऑफ ओटू में डाल देंगे तो इस मिक्सर में कौन कौन सी चीजें रिएक्शन करेंगी ओटू के साथ? केवल सीओ और CH4, एन टू तो नहीं करेगा, सिंपल सी बात है एकदम। तो हम रिएक्शन लिखेंगे, तो हम लिखेंगे द रिएक्शन आर गिवन बिलो। तो सबसे पहले पहला रिएक्शन क्या होगा बेटा, कि सीओ जो है वो ओटू के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा? CO2, ये इक्वेशन भी आपको पता था। इसके बाद जो CH4 है वो O2 के साथ रिएक्शन करके, बोलो, CO2 बनाएगा, साथ में ट्वाइस H2O ना, ये हो गया। बताओ CO कितना ले रखा है? एक, ये तो वैसे भी एक्सेस है O2, तो ये लिमिटिंग हो जाएगा। इसी के रिस्पेक्ट में देखना है कौन कितना बचा कौन कितना बना। तो अगर हमने ये A लिया है तो ये कितना रिएक्शन करेगा? A/2, इसके करस्पॉन्डिंग ये कितना बनेगा? एक। अगर हमने ये बी लिया है तो ये कितना रिएक्शन करेगा? 2B। ये कितना बनेगा? बी, और ये 2B, लेकिन ये लिक्विड है, बोलो हाँ या ना। अब एक बात बताओ कि वॉल्यूम कॉन्ट्रेक्शन किसकी वजह से आता है? गैस की वजह से आता है ना, कल सिखाया आपको। जैसे जैसे मैंने अभी आपको कई कुछ दिन पहले भी सिखाया था कि रेसिड्यू बच गया, तो मतलब जो गैस थी वो उड़ के चली गई, बाकी जो तो सॉलिड बचा वही रेसिड्यू है। तो जो वॉल्यूम कॉन्ट्रेक्शन आता है वो गैसेस के इवॉल्व होने की वजह से आता है, कि भाई गैस उड़ के चली गई, बाकी जो बच गया उसकी वजह से वॉल्यूम कॉन्ट्रेक्शन हुआ है गैसों में। और हम लिक्विड और सॉलिड को वॉल्यूम कॉन्ट्रेक्शन में शामिल नहीं करते हैं, यस और नो? ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ कि वॉल्यूम कॉन्ट्रेक्शन कितना देखने को मिला? 6.5 देखने को मिला कि नहीं मिला? बताओ जरा कैसे वॉल्यूम कॉन्ट्रेक्शन लिखेंगे, बोलो। हाँ, कितना? सबसे पहले क्या क्या है? A+A/2 प्लस बी प्लस 2B, और माइनस का, बोलो, माइनस का ए माइनस का बी, क्या इसको शामिल करेंगे? नहीं। ये किसके बराबर है? 6.5 के, ये 6.5 के बराबर है। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गया आपका, समझ में आ गई बात? ये इक्वेशन नंबर 1 बन गया, कोई दिक्कत किसी को? चलो, ये वॉल्यूम कॉन्ट्रेक्शन सबको लिखना आ गया। कैसे लिखते हैं अपन ने, हमने कल भी आपको कई बार लिखना सिखाया है वॉल्यूम कॉन्ट्रेक्शन, ठीक है ना? नहीं, अभी 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 पहले बताओ, अभी एक साथ लिख लेना आप लोग। पहले इतनी बात समझ में आ गई आपको कि कितना यूज हुआ वॉल्यूम और कितना आपका बाद में बन गया? तो इतना आपका A/2, B/2, ये सब यूज हो गया था, और ये ए और बी बनने वाला था, तो माइनस कर देंगे तो वॉल्यूम कॉन्ट्रेक्शन आ जाएगा। अब सुनो आगे क्या बोल रहा है, आगे पढ़ो जरा। देयर वॉज ए फर्दर कॉन्ट्रेक्शन ऑफ 7 ml व्हेन द रेसिडुअल गैसेस वॉज ट्रीटेड विथ KOH, यस और नो? तो अब ये देखो सबसे पहले कि ये रेसिडुअल गैसेस कौन कौन सी हैं यहाँ पर, बताओ। देखो रेसिडुअल गैसेस तो बेटा, एक तो यहाँ पे CO2 है इस वाले में, और इस वाले में कौन सी है? CO2। तो ये बोल रहा है कि जब रेसिडुअल गैसेस को जब हमने KOH के साथ ट्रीट करवाया है, तो वॉल्यूम जो कॉन्ट्रेक्शन इन वॉल्यूम है वो 7 ml हमको देखने को मिला है। तो जरा बताओ, सबसे पहले वो हमने जो टेबल बनवाया था तो उसमें देखो KOH में कौन कौन सी गैसें अब्जॉर्ब होती हैं। देखो जरा KOH में CO2, NO2, SO2, H2, ऑल एसिडिक ऑक्साइड है ना। तो बताओ जरा,
क्या ये दोनों CO2 गैसें उस KOH में अब्सॉर्ब हो जाएंगी, और वॉल्यूम कॉन्ट्रेक्शन कितना देखने को मिलेगा, 7 ML। तो बेटा इसका कितना ML है ए, इसका कितना ML है बी, अरे यही तो 7 है। अरे वॉल्यूम इन कॉन्ट्रेक्शन जो देखने को मिल रहा है वो 7 ML है रेसिडुअल गैस का। तो रेसिडुअल गैस इसमें कितना है, ये है ना AMLCO2, नीचे वाले में कितना है BMLCO2। अरे वही तो, उसी का तो कॉन्ट्रेक्शन देखने को मिलेगा, मतलब ए प्लस बी का वैल्यू 7 ML के बराबर है। ये सिंपल सी बात है। अब ये इक्वेशन नंबर आपका 2 है, तो इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 में खाली दो इक्वेशन है, दो अननोन है, ए और बी का वैल्यू निकाल लो, यहाँ डाल दो, आंसर आ जाएगा। ये करना था इसमें खाली। तो एक टाइप की प्रॉब्लम ये बनती है। तो यहां से आपका ये टॉपिक फिनिश होता है पूरा। तो इतना काम करना था खाली इसमें बस आपको। सबसे पहले उसने बोला था कि आपको 6 पॉइंट, जब हमने O2 के साथ ट्रीट करवाया तब कॉन्ट्रेक्शन इन वॉल्यूम 6.5 है, तो वो लिख दिया हमने। फिर बोला कि जो रेसिडुअल गैस है उनको जब KOH में डाला तो 7 ML का कॉन्ट्रेक्शन देखने को मिला। मतलब रेसिडुअल गैस एक तो CO2 है पहले वाले में, दूसरे वाले में भी CO2 है, तो पहले वाले में AMLCO2 मिल रहा है, दूसरे वाले में BMLCO2 मिल रहा है, वही अब्सॉर्ब हुआ है, वही एब्जॉर्ब हुआ है, और उसी का 7 ML कॉन्ट्रेक्शन देखने को मिला है। तो ए प्लस बी का वैल्यू 7 ML के बराबर है, ठीक है ना। इक्वेशन नंबर 2 कैसे हमने लिखा है, ये समझ में आया ना सभी को, ठीक है। तो इन दोनों को सॉल्व करके ए और बी का वैल्यू बताओ कितना आएगा। पहले तो दो इक्वेशन दो अननोन, 10th में सीखा होगा सॉल्व करना। बी 2 आया, सही है। ए बताओ, ए 5 आ जाएगा, बिल्कुल सही है। तो बी 2 आ गया, ए 5 आ गया, तो ये तो आ ही जाएगा, ये तो 3 ML आ जाएगा फिर एंड से बस, ठीक है। तो ये आपका कंपोजिशन है। अब बोलो कोई दिक्कत। वैसे तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, उसकी कोई गिनती नहीं है, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वेश्चन पॉसिबल है इस टॉपिक में। तो लेकिन हम एक सुटेबल सुटेबल क्वेश्चन करेंगे खाली, जिससे हमारा थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट अच्छा हो पाए इस टॉपिक का, ठीक है ना। तो यूडोमेट्री में एक प्रॉब्लम इस टाइप की बनती है, और कुछ प्रॉब्लम्स हमने कल किए थे, कुछ प्रॉब्लम वॉल्यूम इन कॉन्ट्रेक्शन की बनती है, जिसमें परसेंटेज यील्ड के साथ भी दे सकते हैं आपको, तो वो भी मैंने आपको कल करा दिया। इसके बाद हाइड्रोकार्बन के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम बनती है यूडोमीटर को मिक्स करके, तो वो भी मैंने आपको दो प्रॉब्लम करवा दी हैं, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, जब हमारा चैप्टर फिनिश होने की ओर होगा तो फिर हम कुछ और प्रॉब्लम कर लेंगे, सिलेक्टिव प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो इस तरीके से अब हम इस टॉपिक को यहाँ पर अभी खत्म करते हैं, ठीक है। अब आपका जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, जिसका बाकी सारे टॉपिकों से कोई लेना देना नहीं है, मतलब वो एक ऐसा टॉपिक है कि जो बच्चा आज भी क्लास में आया उसको भी समझ में आएगा, जो जिसका फर्स्ट डे है उसको भी वो टॉपिक समझ में आएगा, ठीक है ना। तो यहां तक तो स्टैचोमेट्री रहता है, स्टैचोमेट्री यहाँ से पूरा खत्म होता है, ठीक है ना। तो लगभग हम लोगों ने 1 मंथ के आसपास स्टैचोमेट्री पूरा पढ़ लिया अभी तक, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नोट किया आपने, ठीक है। तो चलो अब नया टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है, हेडिंग डालो। सबसे पहले सॉल्यूशन, सॉल्यूशन हेडिंग डालिए, सॉल्यूशन। जो मेन टॉपिक पढ़ना है हमें, हम उसमें डायरेक्टली अभी नहीं आ रहे हैं, उसके पहले कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी आपको मैं सिखाऊंगा, ठीक है। सॉल्यूशन क्या होता है भाई बताओ, व्हाट इज सॉल्यूशन, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, डेफिनेशन बताइए, डेफिनेशन क्या है सॉल्यूशन का, व्हाट इज सॉल्यूशन।
मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। सबसे पहले सॉल्यूशन बेसिकली तीन टाइप के होते हैं। पहला होता है आपका ट्रू सॉल्यूशन, दूसरा आपका होता है कोलाइडल सॉल्यूशन, और तीसरा आपका होता है सस्पेंशन, जिसे हम लोग हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब देखो ट्रू सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि अगर हम किसी दो कंपोनेंट को आपस में मिला दें और मिलाने के बाद हम लोग ये डिफ्रेंशिएट ना कर पाए कि हमने क्या मिलाया था इसमें। जैसे मान लीजिए कि हमने एक गिलास पानी लिया और आप लोगों के सामने लिया, ठीक है, और मैं थोड़ी देर के लिए ग्लास लेकर बाहर गया और मैंने उसमें थोड़ा सा सॉल्ट मिला दिया, लेकिन आपको तो नहीं पता ना कि मैं सॉल्ट मिला रहा हूँ, और सॉल्ट मिलाने के बाद अच्छे से मिला के मैं यहाँ पर आ गया, तो मैंने आपसे पूछा बताओ मैंने इसमें क्या मिलाया है, तो आपको उसमें कुछ दिखेगा ही नहीं, तो आप कुछ नहीं बता पाओगे सर ने क्या मिलाया है इसमें, है ना। तो इस टाइप के सोल्यूशन को क्या बोलते हैं, ट्रू सोल्यूशन बोलते हैं। ट्रू सोल्यूशन बेसिकली एक होमोजीनियस मिक्सर होता है। होमोजीनियस मिक्सर, होमोजीनियस का मतलब होता है एक जैसा। जैसे हमने वाटर में शुगर मिला दिया या वाटर में सॉल्ट मिला दिया, तो लगभग एक जैसा ही सॉल्यूशन रहता है। ऐसा तो नहीं है ना कि शुगर मिलाने के बाद या सॉल्ट मिलाने के बाद वाटर का कलर चेंज हो जाए, पीला नीला ऐसा कुछ हो जाए, ऐसा तो नहीं होता, नहीं है, सिंपल वही रहता है एकदम। तो इस टाइप के सॉल्यूशन क्या होते हैं, ट्रू सॉल्यूशन, मतलब जिनमें दो कंपोनेंट को मिलाने के बाद हम ये डिफ्रेंशिएट ना कर पाए कि हमने इसमें क्या कंपोनेंट मिलाया था। तो उस टाइप के सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं बेटा हम लोग, ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है कोलाइडल सॉल्यूशन। इसका भी नाम आपने सुन रखा है, कोलाइडल सॉल्यूशन का। ठीक है, तो कोलाइडल सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जो रियलिटी में तो हाइड्रोजीनियस है लेकिन देखने में होमोजीनियस लगता है। जो रियलिटी में हाइड्रोजीनियस है लेकिन देखने में क्या लगता है, होमोजीनियस। जैसे फॉर एग्जाम्पल मिल्क, मिल्क इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। बात समझ में आ रही है। तो अब लास्ट में बात आती है सस्पेंशन की, जो रियलिटी में भी हेट्रोजीनियस हो और देखने पर भी वो हेट्रोजीनियस ही लगे। जैसे ऑयल वाटर का मिक्सर, सैंड वाटर का मिक्सर, सैंड प्लस वाटर, ऑयल प्लस वाटर, ये सब के सब क्या है, सस्पेंशन है। हम देख सकते हैं कि सैंड और प्लस वाटर में आराम से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि सैंड और ये वाटर है। तो ये छोटे मोटी चीजें होती हैं ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन। लेकिन केमिस्ट्री में अगर आपके सामने केवल सॉल्यूशन लिखा हुआ है क्वेश्चन में, तो उसका मतलब ट्रू सॉल्यूशन ही होता है, क्योंकि हम सस्पेंशन की कभी स्टडी नहीं कर सकते। ऐसा क्यों, क्योंकि सस्पेंशन को हम नॉर्मल फिल्ट्रेशन मेथड से भी अलग अलग कर सकते हैं। जैसे हमने सॉल्ट वाटर मिलाया, तो भाई आप तो आराम से उसको अलग अलग कर सकते हो, क्या दिक्कत है बताओ, कर सकते हैं ना। लेकिन अभी हमने अगर एक पानी में थोड़ा सा सॉल्ट मिला दिया और बोला अलग करो, तो क्या कर सकते हैं आप, नहीं कर सकते ना। ऐसा तो है नहीं कि मान लीजिए आपने कोई फिल्टर पेपर लगा के सॉल्ट को अलग कर दिया, पॉसिबल नहीं है। उसके लिए तो प्रॉपरली डिस्टिलेशन वगैरह सब लगाना पड़ेगा, हमें तो फिजिकल मेथड यूज करना पड़ेगा। लेकिन सस्पेंशन है तो वो आसानी से अलग हो सकता है। इनफैक्ट ऑयल और वाटर के मिक्सर को भी अलग कर सकते हैं, क्योंकि ऑयल ऊपर आ जाता है तो पहले ऑयल को निकाल लो धीरे धीरे और फिर बाद में वाटर बच जाएगा। ठीक है, कोलाइडल सॉल्यूशन को भी हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं अलग अलग। लेकिन कोलाइडल सॉल्यूशन मैंने क्या बोला कि वो देखने में तो होमोजीनियस होता है लेकिन रियलिटी में हेट्रोजीनियस है। तो अगर आप कोलाइडल सॉल्यूशन को माइक्रोस्कोप से देखोगे ना, तब आपको उसके अलग अलग कंपोनेंट देखने को मिलेंगे माइक्रोस्कोप से। ठीक है ना, तो ये बात हो गई हमारी सॉल्यूशन की कि भाई ट्रू सॉल्यूशन होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, सस्पेंशन होता है। लेकिन इसके बारे में अभी आपको पढ़ना नहीं है बहुत ज्यादा, खाली आपको अभी केवल और केवल ट्रू सॉल्यूशन के बारे में ही पढ़ना है। और मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि पूरे केमिस्ट्री में कहीं भी कहीं पर भी सॉल्यूशन लिखा हुआ मिले तो उसका मतलब क्या है, ट्रू सॉल्यूशन की ही बात हो रही है। और आपको कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, कोलाइडल सॉल्यूशन की बात होगी तो अलग से लिख कर देगा कि एक कोलाइडल सॉल्यूशन है, सस्पेंशन की बात तो वो कभी करेगा ही नहीं क्योंकि सस्पेंशन के लिए कोई स्टडी नहीं होती, कोई मतलब नहीं सस्पेंशन का, बात केवल और केवल ट्रू सॉल्यूशन की होती है। तो अगर कहीं भी पर भी सॉल्यूशन लिखा है तो उसका मतलब ट्रू सॉल्यूशन ही है। तो पहले आप जरा लिखो, ये तीन ऐसे बना लो,
इसके बाद हम लोग डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं ट्रू सॉल्यूशन से। चलो अच्छा, अब सबसे पहले लिखो, ए सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर, ए सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस, ए सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। ए सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस विच आर मिक्स एट ए मॉलिक्यूलर लेवल, विच आर मिक्स एट ए मॉलिक्यूलर लेवल। ठीक है ना, इसके बाद लिखो फुल स्टॉप पे लिखिए, ए सॉल्यूशन इज ए स्पेशल काइंड ऑफ मिक्सचर, ए सॉल्यूशन इज ए, उसी के आगे लिखो, ए सॉल्यूशन इज ए स्पेशल काइंड ऑफ मिक्सचर इन विच ए सॉल्यूशन इज ए स्पेशल काइंड ऑफ मिक्सचर इन विच सब्सटेंस आर इंटरमिक्स सो दैट they cannot be observed so that they cannot be observed as so that they cannot be observed as so that they cannot be observed as separate component separate component। मतलब एक सॉल्यूशन है वो ऐसा स्पेशल काइंड ऑफ मिक्सर है जिसमें हम दो अलग अलग कंपोनेंट को सेपरेट फॉर्म में नहीं देख सकते। बात समझ में आ रही है? हमने अगर सॉल्यूशन बोला है मतलब किस चीज की बात हो रही है, ट्रू सॉल्यूशन की ही बात हो रही है, नो डाउट। ठीक है ना, कोई दिक्कत यहां तक? अब इसके बाद लिखो अगली लाइन से, देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन आर पॉसिबल। लिखो, देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन आर पॉसिबल। तो नो डाउट सभी को पता है, पहला है सॉल्यूट और दूसरा है सॉल्वेंट, और सॉल्यूट सॉल्वेंट को मिलाकर ही सॉल्यूशन बनता है। तो फर्स्ट है सॉल्यूट, दूसरा है सॉल्वेंट। तो चलो लिखो इसी के आगे, लिखो द सब्सटेंस विच इज टू बी डिजॉल्व इज कॉल्ड एज The substance which is to be dissolved is called as solute। ठीक है ना, while the medium in which The solute is dissolved, while the medium in which the solute is dissolved to get a homogeneous mixture, while the medium in which the solute is dissolved to get a homogeneous mixture is called as solvent. is called as solvent। तो जिस चीज को डिसॉल्व करना है वो क्या है? सॉल्यूट। और जिसमें डिसॉल्व करना है वो मीडियम है, वो क्या है? सॉल्वेंट है। समझ में आ रही बात आपको? तो ये तो एकदम बेसिक बेसिक डेफिनेशन हो गया। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले
सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। इस संडे को आपका एग्जाम है ना, फिर तो उसमें मैंने इसके क्वेश्चन डाले हैं सॉल्यूशन के। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, तो पहले जरा समझ लो अच्छे से। देखो, बहुत सारे बच्चे सॉल्यूट सॉल्वेंट को डिफरेंशिएट करने में कंफ्यूज होते हैं, तो उसके लिए क्लासिफिकेशन पढ़ना बहुत जरूरी है। जिसमें पहला क्लासिफिकेशन है कि जैसे मान लो हम दो कंपोनेंट को मिला रहे हैं, आपस में मिक्स कर रहे हैं, और दोनों कंपोनेंट का फिजिकल स्टेट सेम है। जैसे 10 ml मेथेनॉल मतलब एल्कोहल और 100 ml वाटर को मिला दिया, तो बोलो ये क्या है? लिक्विड है ना, ये क्या है? लिक्विड है। तो दोनों का फिजिकल स्टेट सेम है क्या? तो जिसका अमाउंट कम होता है वो सॉल्यूट होता है, और जिसका अमाउंट ज्यादा होता है वो सॉल्वेंट होता है। जैसे इसमें सॉल्यूट ये है, सॉल्वेंट ये है। बात समझ में आ रही है? लेकिन ये क्लासिफिकेशन तब वैलिड है जब दो कंपोनेंट जो हमने मिलाए हैं उनका फिजिकल स्टेट क्या हो, सेम हो, तब वैलिड है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। हम लोगों ने लिया कि 5 mg सुगर और 500 g सॉल्ट, तो बेटा ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, तो निश्चित तौर पे यहां पर जो सॉल्यूट है वो क्या होगा? सुगर। ये क्या होगा? सॉल्वेंट। ये सॉल्यूट हो जाएगा और ये आपका सॉल्वेंट हो जाएगा। समझ में आ गया ये? लेकिन ये तब वैलिड है जब दोनों का फिजिकल स्टेट क्या हो, सेम हो। चलो अब सेकंड क्लासिफिकेशन देखो जरा क्या होता है, बहुत ही आसान है। देखो, सेकंड क्लासिफिकेशन तब वैलिड होता है जब जो हम कंपोनेंट मिक्स कर रहे हैं उनका फिजिकल स्टेट क्या हो, अभी डिफरेंट हो। जैसे मैंने क्या किया, 2 mg या 2 g सॉल्ट को मिलाया मैंने 2 लीटर वाटर में। अब ये सॉल्ट, ये सॉलिड है और ये लिक्विड है, तो अब देखो इन दोनों का फिजिकल स्टेट क्या है, डिफरेंट है ना। दो दो कंपोनेंट में इसकी उनका फिजिकल स्टेट क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं ना, सुनना ध्यान से। अब हम क्या करते हैं कि जैसे कि इन दोनों को हमने मिलाया, तो बताओ जरा मिलाने के बाद क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा? कोई एक सॉल्यूशन बना, बोलो बेटा सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट क्या होगा? भाई 2 लीटर पानी में अगर 2 g सॉल्ट मिला दोगे तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो भी कैसा होगा? लिक्विड होगा, ऑब्वियस सी बात है, लिक्विड होगा, कोई दिक्कत? अब ये लिक्विड है। अब एक काम करो, इसके बाद इन दोनों में फिजिकल स्टेट मैच करो कि सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट इन दोनों में किसके साथ मैच करता है, इसके साथ मैच करता है। जिसके साथ मैच कर जाए वो सॉल्वेंट होता है और जो बच जाए वो सॉल्यूट होता है। इसका मतलब बेटा यहां पर ये क्या होगा, ये सॉल्वेंट होगा और ये क्या होगा, ये सॉल्यूट होगा। बात समझ में आ रही है क्या? चलो ठीक है, तो एक काम ये आपने सीखा। अभी एक चीज, एक एग्जाम्पल और लेता हूं जरा आपके सामने। जैसे मान लीजिए 100 ml वाटर, ठीक है ना, एक ट्रक भर के, जो ट्रॉली होती है सुगर, ठीक है ना, एक ट्रक भर के सुगर है और 100 ml पानी है, तो बताओ जो सॉल्यूशन बनेगा वो कैसा होगा? सॉलिड होगा। अब जरा मैच करो इन दोनों में, ये सॉलिड था ये लिक्विड था, बताओ ये ट्रक सुगर वाला मैच कर रहा है तो ये क्या है, ये सॉल्वेंट है, और ये क्या है, ये सॉल्यूट है। समझ में आई बात आपको? ठीक है, तो बस, तो अब हम लोग लिखेंगे जरा। तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन लिखो, फर्स्ट क्लासिफिकेशन है डिपेंडिंग ऑन डिपेंडिंग ऑन अमाउंट डिपेंडिंग ऑन अमाउंट। लिखो जरा इसमें, लिखो इन सॉल्यूशन
इन सॉल्यूशन द कंपोनेंट इन सॉल्यूशन द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन एक्सेस अमाउंट इन सॉल्यूशन द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन एक्सेस अमाउंट इज कॉल्ड एज इन सॉल्यूशन द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन एक्सेस अमाउंट is called as solvent is called as solvent and the component which is present in lesser amount and the component which is present in lesser amount is called as solute and the component which is present in lesser amount is called as solute इसके बाद लिखो दिस डेफिनेशन इज वैलिड ओनली व्हेन दिस डेफिनेशन इज वैलिड ओनली व्हेन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दिस डेफिनेशन इज वैलिड ओनली व्हेन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ हैव सेम फिजिकल स्टेट बोथ हैव सेम फिजिकल स्टेट Both have same physical state. तो उसके example देखते हैं जरा जैसे in a solid mixture, कोई solid का mixture है of A comma B, if WA is greater than WB, मतलब weight of A is greater than weight of B, then A is solvent and B is solute. तो फिर same physical state है तो जो जिसका weight ज्यादा जिसका mass ज्यादा होगा amount ज्यादा होगा वो आपका सॉल्वेंट और जो कम होगा वो सॉल्यूट वैसे मैं आपको बता देना चाहता हूं कि केमिस्ट्री के अंदर मास और वेट सेम होता है फिजिक्स में डिफरेंट हो सकता है फिजिक्स में ग्रेविटी का भी इफेक्ट कंसीडर कर लेते हैं तो फिजिक्स में वेट एक फोर्स हो जाता है मतलब ठीक है ना और मास तो मास रहता है लेकिन केमिस्ट्री में वेट और मास सेम है वेट बोले या मास बोले दोनों का मतलब इक्वल है सेम है एकदम देखो दूसरा एग्जाम्पल है बी एम एल सी एस थ्री ओ एच प्लस 100 ml वाटर का एक सॉल्यूशन तो निश्चित तौर पे दोनों का फिजिकल स्टेट सेम है तो ये सॉल्वेंट है वो सॉल्यूट है तो ये पहला क्लासिफिकेशन है लिख लिया सेकंड क्लासिफिकेशन है depending on physical state depending on physical state likho solvent is the component isme likhiyega depending on physical state mein solvent is the component which has solvent is the component which has the same physical state solvent is the component which has the same physical state as that of final solution solvent is the component which has the same physical state as that of final solution Solvent is the component which has the same physical state as that of final solution. कहने का मतलब ये बेटा कि solvent वो component होता है जिसका physical state solution के physical state के साथ क्या करे match करे एक example लेते हैं जरा जैसे हम लोगों ने एक container लिया और
और उस कंटेनर में वाटर लिया, ये वाटर है 2 लीटर, और ऊपर से हमने कुछ मिला दिया इसमें, मान लीजिए कि 150 mg सॉलिड NaCl मिला दिया, कोई भी सॉल्ट हो सकता है, तो निश्चित तौर पे हम ये बोलेंगे कि फाइनल सॉल्यूशन इज लिक्विड, सो वाटर इज सॉल्वेंट एंड NaCl इज सॉल्यूट। मैच कर गया वो फिजिकल स्टेट आपका। ठीक, कोई दिक्कत? तो ये आपने सीख लिया कि भाई सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, ये सब थोड़ा थोड़ा आपको यहां से पता लग चुका है। ठीक है, समझ में आ गई बात? ठीक है, चलो यहां तक लिखो। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर, मेन टॉपिक जिसका नाम है कॉन्सेंट्रेशन टर्म। नया टॉपिक मतलब इसी के बाद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। कॉन्सेंट्रेशन टर्म पढ़ने के लिए ये सब सीखा है अभी तक, इतना टाइम इसलिए बर्बाद किया है अभी, तो इसको हटा दूं। हाँ, लिख लो जल्दी से। और एग्जाम में कॉन्सेंट्रेशन टर्म से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू यूडोमेट्री और ये सब। ठीक है ना? तो अब हेडिंग लिखिए कॉन्सेंट्रेशन कॉन्सेंट्रेशन टर्म। कोई बताएगा कॉन्सेंट्रेशन टर्म का मतलब क्या है? कॉन्सेंट्रेशन टर्म बताए क्या? क्या वाटर का अमाउंट कम हो? नहीं, वो तो आप ये बता रहे कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन है, डाइल्यूट सॉल्यूशन है, वो एक अलग चीज है। कॉन्सेंट्रेशन टर्म क्या है? नहीं, देखो ये एकदम आसान है, मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए आप मार्केट गए, तो आप सब्जी वाले की दुकान गए आप, और सब्जी वाले की दुकान में बहुत सारी चीजें लगी हैं, आलू है, टमाटर है और कांदे वगैरह सब हैं। आपने सिर्फ बोला कि ऐसे ही बोला कि भाई आलू दे दो, तो वो क्या बोलेगा? आपने बोला कि आप आलू दे दो, तो क्या बोलेगा वो जो शॉपकीपर होगा बुजुर्ग का? कितना दे दें, 1 kg 2 kg या कुछ तो होगा ना अमाउंट। तो उसी तरीके से आप अगर किसी लेबोरेटरी वाले की शॉप जाइए जहां पे केमिकल वगैरह मिलते हो, किसी केमिस्ट की शॉप जाओ और आप बोलो कि हमको H2SO4 दे दो, तो बोलेगा क्या मजाक है, H2SO4 दे दो क्या मतलब है? वैसे ही हो गया ना कि भाई आलू दे दो, कितना दे दें उस तो होगा, तो वैसे ही H2SO4 दे दो। तो भाई H2SO4 तो कई सारे वैरायटी के आते हैं, कोई बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट होता है, कोई थोड़ा बहुत होता है, कोई बहुत ज्यादा डाइल्यूट होता है, कोई मीडियम होता है। तो बेटा कोई अगर सॉल्यूशन, कोई केमिकल है ना, तो उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है कॉन्सेंट्रेशन टर्म। कि आखिर हम जब कोई केमिकल खरीदने जाएं तो हम उसको एग्जैक्टली बता सकें कि भाई मेरे को इतना इतना H2SO4 तुम दे दो, मतलब मेरे को तुम एक ऐसा H2SO4 दो जिसमें 60% H2SO4 हो और 40% पानी हो, वाटर हो। तो उसका भी एक तरीका होता है, मतलब बात समझ में आ रही है आपको अच्छे से एकदम? तो ये बिल्कुल वैसे ही है कि अगर आप कोई भी केमिकल खरीदने जा रहे हैं तो कम से कम आपको पता होना चाहिए कि हमको किस टाइप का केमिकल चाहिए, कितने अमाउंट का चाहिए। तो किसी सॉल्यूशन को, किसी केमिकल को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन टर्म होता है। जैसे 1 kg आलू चाहिए, 2 kg चाहिए, या 1 kg टोमेटो चाहिए, तो ये एकदम सिस्टमेटिक लग रहा है, समझ में आ रहा है कि भाई तुमको इतना चाहिए। तो वैसे ही केमिकल्स में भी होता है। तो पहले तो आपको कॉन्सेंट्रेशन टर्म सीखना होगा,
कि कॉन्सेंट्रेशन टर्म आखिर कितने कितने होते हैं, किस किस टाइप के होते हैं और किस तरीके से हम उसको केमिकल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। समझ में आ रही बात? तो किसी भी सॉल्यूशन को, किसी भी केमिकल को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन टर्म होता है। समझ में आ रही बात? तो आप लिखो जरा, लिखो, देयर आर वेरियस नोटेशन, देयर आर वेरियस नोटेशन, देयर आर वेरियस नोटेशन टू डिनोट, देयर आर वेरियस नोटेशन टू डिनोट ए सॉल्यूशन आर नोन एज कॉन्सेंट्रेशन टर्म, आर नोन एज कॉन्सेंट्रेशन टर्म, ठीक है ना? एंड दीज आर गिवन बिलो, एंड दीज आर गिवन बिलो। सबसे पहला होता है फर्स्ट परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, या वेट बाई वॉल्यूम लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। पहला, दूसरा होता है परसेंटेज वॉल्यूम बाई वेट। जैसे आप मार्केट गए और आपने बोला कि मुझे 25% वेट बाई वॉल्यूम का H2SO4 दो, तो अब ये लॉजिकल सी बात है एकदम। अब वो जो दुकानदार है वो आसानी से समझ जाएगा और आपको बोतल निकाल के देगा। या आपने बोला कि मेरे को 25% वॉल्यूम बाई वेट का NaOH निकाल के दो, तो फिर वो निकाल के आपको देगा। लेकिन अगर आपने बोला NaOH दो, तो उसका कोई भी मतलब नहीं है। तीसरा, परसेंटेज वेट बाई वेट, फोर्थ परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। तो ये चार टर्म हो गए। नेक्स्ट फोर्थ है फिफ्थ, मोलैरिटी, मोलैरिटी। सिक्स है मोलैरिटी, सिक्स है मोलैलिटी। थोड़े अजीब नाम लगेंगे आपको, ठीक है ना? फिफ्थ हो गया। तो मोलैरिटी और मोलैलिटी दोनों में डिफरेंस है। जैसे के किलोग्राम और ग्राम, वैसे ही है ये भी, मोलैरिटी मोलैलिटी। चलो, सेवन, नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी, किलोग्राम ग्राम मिलीग्राम, मोलैरिटी मोलैलिटी नॉर्मेलिटी, ठीक। एर्थ, फॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, ठीक है। अभी और हैं तो इधर के गैप कर देता हूं मैं, ठीक है? तो ये हो गया एर्थ। अब देखो नाइन्थ, नाइन्थ है बेटा मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये। मोल फ्रैक्शन के बाद है टेंथ, पार्ट्स पर मिलियंस, ठीक है? तो ये होते हैं टोटल 10। जैसे किसी वेट को रिप्रेजेंट करने के क्या क्या तरीके हैं, ग्राम, किलोग्राम, मिलीग्राम, सब तरीके हैं ना? तो उसी तरीके से किसी सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के परसेंटेज वेट बाई वेट, परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाई वेट, मोलैरिटी मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी फॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, पार्ट्स पर मिलियंस। तो कल वन बाई वन स्टार्ट करेंगे, ठीक है? Gracias.